नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। वक्त चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी, योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल में ट्विटर पर वार परतवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासत चरम पर है। यूपी की सियासत के दो बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल में ट्विटर वार हुई। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। फिर केजरीवाल ने उसका जवाब अपने अंदाज में दिया। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। यूपी बिहार राजस्थान और मध्य प्रदेश में पुलिस स्वास्थ्य बिजली विभाग में बंपर नौकरियां। सरकारी नौकरियों की तलाश में रहे युवाओं के लिए यूपी बिहार राजस्थान और मध्य प्रदेश में बंपर भर्तियां निकली हैं। यूपी में यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भर्ती निकाली है, जबकि राजस्थान में राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तकनीकी सहायक के पदों पर भर्तियां निकाली है। इसी तरह बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। एनएचएम एमपी ने मध्य प्रदेश में भी कई पदों पर भर्ती निकाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे यूपी पीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट upppb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में 14 फरवरी से खुल सकते हैं कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जाने, लेटेस्ट अपडेट। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अगले चरण में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को भी खोलने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में आज पुनः मोबाइल पर हुई, जिसमें उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा करने का भरोसा दिया। अतुल कुमार ने कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आश्वासन के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश के कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के ऑफलाइन संचालन हेतु 7 फरवरी से स्कूलों को खोल दिया है, जिसके लिए एसोसिएशन उनके साथ ही सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ई श्रम कार्ड धारकों का हर महीना मिलेगी 3,000 रूपए की पेंशन, बस करना होगा ये काम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत खास तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए की गई है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इन दिनों भारत में बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। इस कार्ड को बनवाने के साथ ही साथ कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना में भी निवेश करना चाहिए। ई श्रम कार्ड धारक सरकार की इस स्कीम में निवेश करके हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन उठा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए एक समय के बाद रोजगार के सभी साधन बंद हो जाते हैं, इस कारण उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। ऐसे में उन्हें आर्थिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार की स्कीम श्रमिकों की इसी समस्या का समाधान है। इस स्कीम में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना चाहिए। अगर आपकी मासिक आय 15,000 से कम है और आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है, तो इस योजना में निवेश करके आप हर साल 36,000 रूपए की पेंशन पा सकते हैं। इस योजना में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 40 से 18 के बीच में होनी चाहिए। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है जो कि असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है। 40 साल की उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन, 63,300 रूपए तक मिलेगी सैलरी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 48 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएट अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.com पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को GD इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों के लिए 80 प्रश्नों की होगी। लिखित परीक्षा में चयनित होने वालों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो 25 अंकों का होगा। अंतिम मेरिट लिस्ट सूची लिखित परीक्षा के अंक 100 अंकों और साक्षात्कार 25 अंकों में से मिलाकर तैयार की जाएगी। आज भी कई ट्रेनें रद्द हैं, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। ठंड और कोहरे की वजह से भारतीय रेलवे के परिचालन पर असर पड़ा है। इसके चलते रेलवे को कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। आज भी कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम समेत उत्तर भारत से चलने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। अगर आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, तो पहले ये पता कर लें कि आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है। आज 380 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया है, वहीं 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। रेलवे ने आज कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया है, इसके बारे में जानने के लिए वेबसाइट inquiry.indianrailway.gov.in
या फिर MNTS NTES ऐप की मदद ले सकते हैं, जहां आपको ट्रेनों का नंबर डालने पर ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कब्रिस्तान से वोट ले अखिलेश, जब बाउंड्री ही बनवाई, सीएम योगी ने किया तीखा वार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के शाहजहांपुर में रैली की। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव कब्रिस्तान से वोट लें, जब उन्होंने विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का ही काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने क्या विकास कराया, तो उन्होंने कहा कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी, उनको कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही वोट मिलना है। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की योजनाओं को शत प्रतिशत धरातल पर उतारा और यूपी में माफिया राज खत्म किया। वर्ष 2013 का वक्त था, जब वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबसे कठिन राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। शत प्रतिशत मेहनती और कुशल रणनीतिकार शाह ने जमीन को इतना सींचा कि रसदार फल 2019 तक टपकते रहे। 2014, 2017 और 2019 में केंद्र और राज्य में बहुमत की सरकार मिलती चली गई। फिर से चुनाव सामने हैं और अन्य नेताओं के साथ शाह ने शुरुआत वहां से की जो फिलहाल सबसे कठिन माना जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिस जाट समुदाय के नाराज होने की बात कही जा रही थी। उसी जाट समुदाय ने एक सम्मेलन में शाह को चौधरी कहा, लेकिन खुद शाह उत्तर प्रदेश में जीत का शत प्रतिशत भरोसा जताते हुए पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को देते हैं। हर व्यक्ति का देखने का अपना ही एक अलग नजरिया है। नई फिक्स पेंशन स्कीम लाने की तैयारी, EPFO निश्चित पेंशन राशि चुनने का मिलेगा विकल्प। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक नई पेंशन स्कीम की योजना बना रहे हैं। पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है और इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। बता दें, EPFO नई फिक्स पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है। निश्चित पेंशन की राशि के योगदान के आधार पर तय की जाएगी। आपको जो पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको अंशदान करना होगा। जो बिजनेसमैन में प्रकाशित खबर के मुताबिक नई योजना के तहत निश्चित पेंशन राशि चुनने का विकल्प होगा। इसमें स्वरोजगार और निजी कर्मचारी भी पंजीकरण करा सकेंगे। पेंशन की राशि भी वेतन और शेष सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी। खुशखबरी, अकाउंट में इस दिन क्रेडिट होंगे 2000 रुपए, तुरंत अपडेट करिए डिटेल। करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत देश के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार नए साल पर तोहफा दे रही है। अब फिर से पीएम किसान निधि योजना की 11वीं किस्त जल्द ही जारी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार किसानों की आर्थिक मदद करती है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया था। अगर आपके खाते में अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं आया है तो आप फटाफट अपनी डिटेल्स चेक कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी 11वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम की 11वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही शर्त ये भी कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को अपने राशन कार्ड की डिटेल अपलोड करनी होगी और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी जमा करानी होगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।